Hey everyone, happy Navratri and welcome to my morning to evening routine blog during Navratri. So, सबसे पहले मैं उठने के बाद विंडो को ओपन करती हूँ ताकि लाइट अंदर आ सके. फिर फ्रेश होकर थोड़ा सा बाहर टहलती हूँ. हमें सुबह में ही फूल तोड़ना होता है. थैंक यू बुआ. कहाँ से लाए हो? सिपाही जी के यहाँ से. ठीक है, थैंक यू. तो ये था मेरा छोटू सा भाई जो मुझे डेली फूल लाकर दे देता है. और अब मुझे घर की साफ सफाई करनी है और उसके बाद स्नान करके माता रानी की पूजा के लिए सारी सामग्री को तैयार करना है. इस बार पंचमी और षष्ठी दोनों एक ही दिन पड़ा है. सो पंचमी के दिन से ही घर के कुलदेवता और माता रानी के पास घर की बनी हुई दीपक से ही जोत जलाई जाती है. और हम थोड़ा लेट हो गए हैं. सो हम सबसे पहले दीपक बना लेंगे, उसके बाद प्रसाद की तैयारी करेंगे. सबसे पहले हम बेसन को धीमी आंच पे भुनेंगे घी डालकर. जब ये ब्राउनिश हो जाएगी फिर इसमें हम इलायची, चीनी स्वाद अनुसार और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे. फिर इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे. और इस तरह से मैंने माता रानी को भोग लगाने के लिए प्रसाद रेडी कर लिया है. और इसे हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा सजा देंगे. मैंने सारा कुछ तैयार कर लिया है माता रानी की पूजा करने के लिए. सो अब वक्त है उनकी पूजा करने का. जैसा कि आज पंचमी और षष्ठी दोनों है और पंचमी के दिन को माँ स्कंद माता के दिन के रूप में मनाया जाता है, इस दिन हम माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं. स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में भी जाना जाता है. स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से हमारे अंदर के व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम व्यवहारिक चीज़ों से निपटने में सक्षम होते हैं. नवरात्रि के छठवें दिन को माँ कात्यायनी के दिन के रूप में मनाया जाता है. इस दिन हम माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं. माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है और माँ के आशीर्वाद से हमें सकारात्मक मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है. खाना खाकर कुछ देर रेस्ट करके मुझे कॉलेज की थोड़ी बहुत असाइनमेंट भी करनी है और उसके बाद मुझे मार्केट के लिए भी निकलना है क्योंकि मैं 16 अक्टूबर को कॉलेज जा रही हूँ और मुझे कॉलेज की थोड़ी बहुत शॉपिंग अभी करनी बाकी ही है. सो या
store. और अब टाइम हो गया है मार्केट जाने का और मैं मार्केट के लिए आउटफिट चूज कर रही हूँ, जॉगर्स एंड टी शर्ट। अब हो गई है मेरी शॉपिंग कंप्लीट एंड अब हम बढ़ते हैं घर की तरफ। और अब मुझे निकलना है मंदिर के लिए और वहाँ इस मिट्टी से बनी हुई दीपक की जोत जलानी है और वहाँ से आने के बाद हम घर के सारे लोग मिलके माता रानी की आरती करेंगे। इस तरह से मेरी ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होती है और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में।